सैनी गांव, और यहाँ ऊपर पेड़ों के बीच में है नाग मंदिर, देवदार के पेड़ों के बीच में, और ये रेड कलर में है शिव मंदिर। हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। साढ़े नौ हो चुके हैं, दुनेरा में पहुंच चुके हैं, और दुनेरा में हो रही है ब्रेकफास्ट। चलते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट लोकेशन ऑन द वे टू पठानकोट। दुनेरा से थोड़ा सा आगे चल के साथ में पहाड़, वही जो मेरी पेंटिंग में आजकल दिखते हैं, और साथ में झील, और बीच में टापू, और वाव 34 एंड वी आर एट पठानकोट। चलो चलते हैं आगे। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੂਰ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। बारह बज के 35 मिनट और अब हम अमृतसर शहर के बीच में पहुंच चुके हैं और गोल्डन टेंपल की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि शहरों में होता है भीड़, जा नहीं रहे हैं गोल्डन टेंपल के एरिया में, हम पहुंच चुके हैं। मुझे कुछ ये आसपास की शॉप्स याद भी आ रही हैं। चलिए
ये है गोल्डन टेंपल कार पार्किंग, कभी अगर आए तो डायरेक्ट गोल्डन टेंपल के पास ये कार पार्किंग है, फ्लाईओवर के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जाम में नहीं फंसते हैं। कार पार्किंग से बाहर आते एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है और यहाँ से अब गोल्डन टेंपल यह है जलियांवाला बाग जो कि मंदिर के रास्ते में ही बिल्कुल रास्ते में पड़ता है। ये नीचे स्टेयर्स बनी हुई है, यहाँ पर डिजिटल सिख म्यूजियम है जिसमें कि आधे पौने पौने घंटे के कुछ शो लगते हैं, तो कभी भी यहाँ आए और तो जहाँ जूते खोलते हैं वहीं पर ये है जहाँ पर कि जूते जमा करवा के आगे नंगे पांव चलेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग जूते वगैरह इकट्ठे करेंगे वो कोई एम्प्लॉइज नहीं है, वो बहुत अच्छे बिजनेस मैन भी हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे नौकरी पेशा भी जो कि हमारे जूते लेते हैं। कल दिवाली है फिर भी आज रश यहाँ पर सर ढक के जाना पड़ता है और गेट के पास इस तरह से ये रखे होते हैं। यह है गेट की एंट्री, तो जरूर रात के टाइम एंट्री करें, हम तो दिन को आ रहे हैं लेकिन रात को बहुत ही खूबसूरत लाइट होती है। ये बैर के बूटे जो है ना ये भी है ना और एक ऊपर ये है बैर का बूटा है। हाँ मंदिर के बाद अब जाएंगे हम अंदर, काफी भीड़ और सबसे फेमस दिवाली जो मानी जाती है वो अमृतसर की जो कि कल होगी।
गुरु महाराज आज सुबह चले थे, 1 बजे यहाँ पहुँचे और अब 3 बजे के लगभग का टाइम हम पूजन दर्शन कर आ चुके हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। 11/11/2023 जय मेरे बड़े, जय हो गुरु महाराज। पूरे 9 बजे हमारी यात्रा समाप्त और पहुंच चुका हूं मैं चंबा अपने घर।